नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब, हम सीटीआर में काफी आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक बातें करने के बाद में कुलीजन को इन्वॉल्व कराया था और सवाल देख रहे थे, उसी कड़ी में ये वाला सवाल हमने होमवर्क दिया था भाई साहब, है ना। उम्मीद है कि आपने सॉल्व किया होगा। बस सिमिलर टाइप का सवाल पहले किया था, बस उसमें वैल्यूज नहीं थी, इसमें वैल्यूज डाल दी है। आइए अपन मिलके पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे का खेला खेलते हैं भाई साहब। चलो देखिए, जरा ध्यान से देखिए क्या क्या करना होगा आपको। आपको क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल रॉड एंड अच्छा बॉल और रॉड का स्पीड बताना है, अच्छा, और एंगुलर स्पीड बताना है रॉड का आफ्टर कोलिजन में। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। उड़ा देते हैं सवाल को और आपने ट्राई किया होगा तो आपसे हुआ भी होगा, कहीं आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हुई तो वो अलग बात है, बाकी कॉन्सेप्चुअली हमने सिमिलर टाइप का सवाल पहले ही देखा भी था। खैर, अब अगर ध्यान से देखें तो टक्कर के बाद में जो हालचाल है अपन बात करना चाह रहे हैं, पे टक्कर के बाद में हमारी जो रॉड है वो फ्री टू रोटेट है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शनलेस में बात हो रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, माना कि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार वी है और ये घूमने लग जाएगी ओमेगा से ऐसे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बॉल हमारी ऐसे आ रही थी, बॉल जो है वो 1 kg की, ये बॉल इसकी रफ्तार मान लो v1 हो गई है, तो हमारा मकसद है कि हम क्या पता कर ले, ओमेगा वी, ओमेगा और v1, है ना, तीन रिश्तों की जरूरत होगी। ओहो हो, पहला कहां से आएगा, मेरा गोली की रफ्तार से करते हैं, pi = p final, अच्छा भाई क्या होगा, मैंने कहा 1 × 10 प्लस 0 इसका, ये चल नहीं रहा है, दैट इज इक्वल टू, इसका मास क्या है लल्ला, इसका मास क्या है, मास 3 kg है, 3 × v आ जाएगा, रिश्ता नंबर 1 आपके पास आ गया है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सॉरी, एक और चीज की जाएगा, 3 × v प्लस 1 × v1, ये आपका रिश्ता नंबर 1 आ गया। अरे भाई 3 × v तो इसका हो गया है, 1 × v1 कौन करेगा, अपने को करना पड़ेगा, या 1 × 10, तब एक ये रिश्ता आ गया। दूसरा रिश्ता क्या आएगा, मैंने कहा दूसरा आएगा भाई साहब li = l final, कहां से कर ले, मैंने कहा यहां पे ही बैठ जाओ, आसान रहेगा क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट P है, तो LI की वैल्यू PE के अबाउट क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि ये MVR परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और ये तो घूम भी नहीं रहा है। अच्छा, ये 1 मीटर होगा तो ये वाली दूरी भी 1 ही मीटर होगी, काइको लाला, टोटल आपका 2 मीटर होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने कहा यहाँ फाइनली लिखेंगे, शुरू तो 0 0 था, यहाँ पे अगर फाइनली लिखेंगे तो MVR परपेंडिकुलर से इसका तो 0 आ जाएगा, प्लस अभी तो CTR कर रहा है इसका लिखना पड़ेगा, मैंने कहा इसका पहले लिखते हैं सेंटर ऑफ मास से, कैसे लिखते हैं सेंटर ऑफ मास से, आर क्रॉस पी बाहर की तरफ आएगा, कितना आएगा भाई, मैंने कहा MVR परपेंडिकुलर, M कितना है, 3 है, V कितना है, V है, परपेंडिकुलर दूरी क्या है, 1 मीटर है, किस डायरेक्शन में है ये, MV × 1, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन में भाई साहब, ये बाहर की तरफ है, ये क्या है, बाहर की तरफ है, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, और एक और आएगा सेंटर ऑफ मास में बैठ के आई ओमेगा, ये क्या कर रहा है, CTR कर रहा है, और अगर बॉडी CTR कर रही हो तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं ये अपन ने सीख रखा है, आई ओमेगा आएगा, क्या आएगा, आई ओमेगा आएगा, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें, आई ओमेगा, आई की वैल्यू क्या होती है, ml² / 12 है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml² यानी m आपका 3 है, l² का मतलब 16 हो गया है, डिवाइडेड बाई 12 × आप क्या कर देंगे ओमेगा, ये कौन सी, ये किधर की तरफ क्वांटिटी है, ये आपकी है r क्रॉस p बाहर की तरफ था, सॉरी ये बाहर की तरफ था, ये क्या था, बाहर की तरफ था r क्रॉस p, और ये आपका अंदर की तरफ आ रहा है, इनका अच्छा भाई साहब 1 को प्लस मान लोगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 3 × v × 1 की दूरी 1, यानी कि 3v = 3v = 3v = ये आपका कट कट के आ गया 4 और ये कट गया है आपके लिए 4, यानी कि आपका 3v = 4 ओमेगा, ये आपको मिलेगा रिश्ता नंबर 2, ये आपको क्या मिल जाएगा, रिश्ता नंबर 2 मिल जाएगा, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत। एक और इक्वेशन हमें लिखनी होगी, वो होगी E की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, E की इक्वेशन किधर लगती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगती है E की इक्वेशन, भाई साहब E की वैल्यू क्या दी हुई थी सवाल में, E की वैल्यू 1/2 दी हुई है, ओहो, ये पॉइंट की रफ्तार क्या होगी, मैंने कहा ये v + ओमेगा × आप बीच का दूरी क्या है 1 मीटर है, यानी कि v + ओमेगा आ जाएगी, दैट इज v + ओमेगा और ये क्या है v1 है, तो v + ओमेगा - v1 / मैंने कहा यहाँ ये 0 था ये 10 था,
तो आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी आ गई है 10, ये कट गया भाई साहब 5, तो 5 इज बेसिकली इक्वल टू वी प्लस ओमेगा माइनस वी वन, वी प्लस ओमेगा माइनस वी वन, ये कौन सा आ गया है आपका रिश्ता नंबर 3 आ गया। क्या इन तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल को सॉल्व किया जा सकता है? मैंने कहा हाँ, अगर अपन चाहे, अगर अपन चाहे, मान लो कि अगर अपन चाहे, यहाँ पे आपको 3v और v1 के बीच में रिश्ता पता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मान लो कि अपन चाहे कि v निकाल लेते हैं, मान लो कि अपन चाहे v निकाल लेते हैं, v निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 3v/4 है ना, ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 3v/4 है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा v प्लस ओमेगा को लिख दिया है अपने 3v/4 माइनस v1, यानी कि 5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 5 × 4 = 20, 20 इज इक्वल टू 4v प्लस ये 7v, क्या हो जाएगा आपके लिए 7v माइनस 4v1। एक रिश्ता ये है v और v1 के बीच में, एक रिश्ता यहाँ पे है, क्या है, मैंने कहा 3v प्लस v1 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। दूसरा क्या है, मैंने कहा दूसरा है आपके लिए, दूसरा आपके लिए है 7v माइनस 4v1 इज इक्वल टू 20 है। मैंने कहा ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12v प्लस 4v1 इज इक्वल टू 40, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मैंने कहा ये हो गया 12 और 7 19, वी इज इक्वल टू 60, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60/19 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, वी मिल गया क्या हमें, 60/19, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सही से कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या अपन, बहुत शानदार। अगर मान लो मुझे वी मिल गया, अगर मान लो कि मुझे वी मिल गया, तो क्या मुझे ओमेगा मिल गया, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो ओमेगा मिल गया, और मान लो कि वी पता है, ओमेगा पता है, तो सॉल्व करके क्या वी वन मिल गया, क्या सारे आइटम हमको मिल गए हैं। मैंने कहा इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, आपने भी अगर सही से सवाल को किया होगा तो आपका ये सवाल सही हुआ। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी इन्वॉल्व करे क्या, मतलब मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ जिसमें बॉल आके चिपक जाए, बॉल आके क्या करे, चिपक जाए तो सेंटर ऑफ मास फिर यहाँ नहीं होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक सवाल कर लेते हैं, चलिए एक सवाल कर लेते हैं, ये फिर लास्ट एंड फाइनल सवाल होगा कोलिजन पे, बहुत हो गया कोलिजन का, एक सवाल और देख लेते हैं। मान लो कि ऐसा हो, एक रॉड, बढ़िया हो यार, इतना कहे भाव खा रहे, मान लो कि ऐसा हो, कैसा हो, तरह ध्यान से देखें, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो कि अपने पास एक रॉड है, मान लो कि अपने पास एक रॉड है, मैंने कहा ठीक है, ये रॉड की लंबाई मान लीजिए, मास मान लीजिए है 2 kg, मास क्या है 2 kg है, मैंने कहा अच्छा लेंथ क्या है, मैंने कहा 6 meter लेंथ ले लीजिए 6 meter, और इधर से एक बॉल आ रही है 1 kg की, यही 10 m/s की रफ्तार से, और E की वैल्यू मान लो 0 दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि भैया बॉल आती है और इससे चिपक जाती है, और कहां जा रही है, एंड पॉइंट पे, इसका मतलब बॉल आके इससे क्या होगी, चिपक जाएगी। तो अब बताइए कि भैया बॉल की रफ्तार तो वैसे ही मतलब घूम भी रही होगी, बॉल चल भी रही होगी, है ना, क्योंकि बॉल तो इससे चिपक जाएगी, सब कुछ बताइए, जैसे ये टक्कर होगी तो इसके सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या होगी, और घूमेगी तो उसका ओमेगा क्या होगा, मतलब ई की वैल्यू 0 दे दी हमें, ई की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा बहुत आसान है भाई साहब, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, मैं एक या दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला मैं ऐसे कर लेता हूँ कि माना कि ठीक है, जैसा पिछला वाला सवाल सॉल्व किया था वैसे ही कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे, वैसे ही कर लेते हैं, मान लो कि टक्कर के बाद में क्या कर दिया हमने, बहुत ही आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान। कैसे, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, टक्कर के बाद में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मैंने कहा यही होगा, उसकी रफ्तार v मान लेते हैं, इसकी रफ्तार v1 मान लेते हैं, इसकी रफ्तार क्या मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओ हो, अच्छा बहुत शानदार, ये सेंटर ऑफ मास किसका है, सिर्फ रॉड के सेंटर ऑफ मास की रफ्तार मैंने v मानी है। ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मैंने कहा ओवरऑल सिस्टम का अगर अपन बात करें, ओवरऑल सिस्टम की अगर बात करें, तो ये आपकी रॉड जो है उसका मास क्या है 2 kg और इसका 1 kg है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ हुआ कितना हुआ 2 kg, और 1 kg यहाँ आके चिपक जाएगा, पॉइंट मास मान लीजिए, बीच की दूरी क्या है 3 meter है, तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ होगा, किसके, इसके पास में होगा,
यहां पे होगा COM, इस पूरे सिस्टम का COM यहां पे होगा, ये वाली दूरी आपके लिए 2 मीटर होगी, ये वाली दूरी 1 मीटर होगी। कैसे बताया मैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये बीच की दूरी क्या है, ये बीच की दूरी आपके लिए होने वाली है 3 मीटर, क्योंकि टोटल दूरी आपको क्या दी हुई है 6 मीटर यहां पे दी हुई। अरे यहां के नहीं, यहां सेंटर ऑफ मास इसके पास में होगा, कैसे पता किया मैंने 1 मीटर, मैंने कहा मुझे अगर ये दूरी निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास हो गया है 1 प्लस 2 3 इंटू मैंने क्या कर दिया 6 है ना, अरे हाँ कि नहीं यार, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 मेरे पास ये 1 kg है और ये 2 kg है, तो मैं यहां से ये वाली दूरी निकालनी होगी तो क्या करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू मेरे लिए क्या है टोटल दूरी 3 है, तो ये आ गया 1 मीटर। अगर ये 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगी, तो बहुत ही रद्दी सी बात है। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तो पहला इक्वेशन क्या लिखिएगा दादा, पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखें, भाई साहब। अच्छा ध्यान से अगर ये वाले पॉइंट की भी रफ्तार क्या होगी, अगर ये V1 जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी ऐसे कैसे जा रहा होगा, V1 से जा रहा होगा। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहला इक्वेशन हमारे पास आने वाला है PI = P final, क्या फाइनल से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत शानदार, पहले क्या है यहाँ पे 1 × 10 प्लस इसका 0 हो गया भाई साहब, खेला ही खत्म। = इसका मास आपको क्या दिया हुआ है 2 kg, यानी कि 2 × 2 V आ जाएगा, प्लस ये कितना है भाई साहब 1 kg, तो 1 × V1 है, ये आपको रिश्ता नंबर 1 आ जाएगा। सेकेंड आएगा LI = L final, बैठ जाते हैं यहाँ पे, मान लो कि इसका नाम ये है, तो यहां से अगर आप लिखें LI तो इसका तो 0 हो गया भाई साहब, इसका 0 हो गया क्योंकि MVR = 0 और ये तो घूम नहीं रहा था, 0 हो गया। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, यहाँ पे बैठेंगे बाद की बात करेंगे, तो MVR = यहीं से पास हो रहा है तो क्या हो गया है 0, और ये बॉडी जो घूम रही है ऐसे ऐसे घूम रही है ना, इसका ये पॉइंट के अबाउट अपने को क्या लिखना है एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो पहले सेंटर ऑफ मास का नहीं लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का क्या लिखेंगे MVR = m की वैल्यू क्या है 2 है, v क्या है VR = क्या है 3 है, किधर है ये क्वांटिटी R × P बाहर की तरफ। मैंने कहा ठीक है, प्लस एक का क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में I ओमेगा, क्या आ जाएगा I ओमेगा, I क्या होगा, मैंने कहा वो होगा ML² / 12, m की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 6, तो 36 / 12 यानी 12 + 36, ये वैल्यू आ रही है आपके लिए 6, यानी कि I ओमेगा यानी कि 6 × ओमेगा, क्या आ जाएगा 6 × ओमेगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तो ये वाली वैल्यू है आपके लिए बाहर की तरफ, इसका मतलब क्या है, अच्छा 3 × 2 = 6, V must be = 6 ω मैग्नीट्यूड में, तो V = क्या आ रहा है ओमेगा आ जा रहा है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब ये आपका है रिश्ता नंबर टू। एक और रिश्ते की हमें जरूरत है, तो वहां उसके लिए क्या लिख दीजिएगा, एक इक्वेशन लिख दीजिए भंडार चलिए, आसान सवाल कुछ नहीं है, फोकट ऐसे कर लिए, ये की वैल्यू 0 होने का मतलब अब ये वाले पॉइंट की रफ्तार क्या होगी, मैंने कहा ये तो हो गया V × ω R, V + ω, अच्छा ये क्या कर रहा है CTR कर रहा है, और ये वाले पॉइंट में अब ω × L तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में होगी, प्लस सेंटर ऑफ मास की ऐड कर दोगे तो V + ω R यानी कि 3 आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या है, V + 3 ω - V1 / यहाँ पे 10 - 0 10 हो गया, that is equal to 1 by क्या दिया हुआ 0 दिया, अरे 0 दिया है ना भैया 0 है, काय को चिपक जाता है, सवाल में बोला गया है कि ए की वैल्यू क्या है 0 है, ए की वैल्यू क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि V + 3 ω = V1, V + 3 ω = V1, ये आपको कौन सा मिल गया है, ये आपके लिए है रिश्ता नंबर 3। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार, आपको क्या चाहिए, ये एक तो ये रहा आपके लिए रिश्ता, यानी कि 10 + 2V = V1, अच्छा भाई साहब 10 = 2V + V1, 2V + V1, हमको क्या चाहिए, हम ओमेगा निकाल लेते हैं, तो अच्छा V = ω है, तो 10 = 2ω हो गया, V को ओमेगा ही लिख सकते हैं, और V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 को जरा ध्यान से देखिए, V और ओमेगा सेम है, तो ये ओमेगा और ये आपका हो गया 3ω, अरे ठीक है, तो 4ω = V1 है ना, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे 4ω लिख दीजिए, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10/6 यानी कि 5/3 rads/s, बाकी आप जो है ना वी भी निकाल सकते हैं और V1 भी निकाल सकते हैं। अच्छा वी भी आ गया V1 भी आ गया, लेकिन यहाँ पे जो वी आएगा वो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार
नहीं है, v तो आपका ओमेगा के बराबर ही है, यानी 5/3 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि अगर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की नहीं है, है ना। अच्छा वो कहां पे होगा, मैंने कहा वो तो यहां पे है ना यार, ये वाला पॉइंट पे है ना, ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे है, तो इसकी रफ्तार क्या होगी, ये इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहा है ना, और वी से जा रहा है, इसकी रफ्तार होगी वी इंटू ओमेगा, और बीच की दूरी है 1, यानी कि वी की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस 5/3 इंटू 1, यानी कि आंसर होगा आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 10/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा किसी और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मैंने कहा कैसे कर सकते थे, मैं उसको कर नहीं रहा हूं, जरूरी है कि मैं यहां पे मानूं, मैं ऐसा भी तो मान सकता था, कैसे मान सकता था, मैं ऐसा मान लूं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास की रफ्तार ये है, अरे भाई इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो आपका यहां यहां पे आया था ना, यहां पे आप इन दोनों को मतलब ये साथ में रख लो, है ना, ये इसकी रफ्तार को भी इसी में मान लीजिए, इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से घुमा दीजिए, है कि नहीं है, सेंटर ऑफ मास आपका यहां आ गया है, अब टोटल मास जो है इसका 1 हो गया है और प्लस आपका ये 2 है, यानी कि ये 3 kg का हो गया, अब आप इसके इसके रेस्पेक्ट में कर लो, है कि नहीं है, क्या 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 इक्वेशन आएगा, PI is equal to P final आएगा, और क्या आएगा, मैंने कहा LI is equal to L final, कोई से पॉइंट से कर लो आप LI is equal to L final, दूसरा दूसरा मैंने कहा एक इक्वेशन लगा दो, है कि नहीं है, अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, जरा ध्यान से देखें, आप बोले तो कर डालें, इसमें कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखें, क्या हमें हमने रफ्तार को क्या मान लिया है, VCM मान लिया है और ओमेगा मान लिया है, तो पहला इक्वेशन हमारे लिए क्या आ गया, PI is equal to P final, क्या आ गया, PI is equal to P final, PI की वैल्यू क्या हो गई है 1 into 10 है, ये आपका इस साइड में आ गया, मैंने कहा खत्म भाई साहब खेल ही खत्म, अच्छा इसका 0 आ गया है, दैट इज इक्वल टू 2+1 मास हो गया 3 into VCM, एक रिश्ता आ गया इनका बहुत बढ़िया बहुत शानदार, दूसरा रिश्ता मैंने कहा दूसरा रिश्ता आपका आना चाहिए LI is equal to L final से, कहां से आना चाहिए LI is equal to L final से, लफड़ाई नहीं है, E के इक्वेशन को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है वो वाला। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि आप सेंटर ऑफ मास वाला, सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल कहां पे था, यहां यहीं पे था, यहीं पे था ना, कहीं किसी भी पॉइंट से लिख लो आप, तो आप तो किसी भी पॉइंट पे लिख लो, आप तो ए के अबाउट ही लिख लो, ए के अबाउट लिखेंगे तो पहले का क्या आ जाएगा भाई साहब, 0, पहले का क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये यहीं से पास हो रहा था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो सेंटर यहां पे आपका ये था, ये 3 मीटर था, ये वाली दूरी थी 1 मीटर, तो ये वाली क्या है 2 मीटर, अबाउट ए बात कर रहे हैं, अबाउट ए बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा भाई साहब, अब इसका टोटल मास क्या है, टोटल मास इसका 3 kg, मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या आने वाला है, मैंने कहा भाई एक तो है मास टोटल आपके पास क्या है, MVR परपेंडिकुलर, वो सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए, तो सेंटर ऑफ मास टोटल मास है M3V, क्या है V ऑफ COM, तो उसको आपने VCOM ही लिया है इनटू परपेंडिकुलर दूरी, तो ये पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी क्या आ रही है 2 आ रही है, प्लस ये कौन सी डायरेक्शन में, मैंने कहा आर क्रॉस पी, भारी तो नहीं हो रहा है ज्यादा सवाल इससे, आर क्रॉस पी कैसा है, बाहर की तरफ है, तो इसको क्या बोल दीजिएगा, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, प्लस आपके पास आई ओमेगा आएगा, प्लस क्या आ जाएगा आई ओमेगा, अब आई आपका इस एक्सिस के अबाउट होगा, क्या होगा ये एक्सिस के अबाउट आई, ये एक्सिस का आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग आप निकाल लो, मैंने कहा रॉड के हिसाब से आपका ML² / 12 हो जाएगा, प्लस उसमें बीच की दूरी है MD², यानी कि M × 1² है कि नहीं यार, अरे यहाँ के पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या क्या कीजिए, यहां से पता कर दीजिए, प्लस इसका क्या आ जाएगा, इसके अबाउट मान लीजिए कि ये वाली दूरी डी है, तो आपका जो छोटू वाला मास है 1 kg वाले का 1 × D², अरे यहाँ की नहीं यार, अच्छा भाई साहब तो रॉड का मास कितना था 2 kg था, है ना, तो ये आपका 2 × 36 का स्क्वायर यानी 36 / 12 प्लस रॉड का मास था आपके लिए 2 kg × 1² प्लस इसका मास की कितना था, इसका मास 1 था और बीच की दूरी क्या है 2 मीटर है, 2 मीटर का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, कैलकुलेशन भगवान जाने मैं ही कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, 12 × 3 = 36, तो ये आ गया 6 + 2 + 4 यानी कि आ गया है 6 और 4 = 10 और 2 = 12 आ गया, क्या आ गया है 12 आ गया, अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया
बहुत ही शानदार। तो आई की वैल्यू आ गई 12, आई की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 इंटू ओमेगा कर देते हैं। 12 इंटू ओमेगा इज बेसिकली 12 इंटू ओमेगा इज बेसिकली अंदर की तरफ है, किधर है, अंदर की तरफ है। अच्छा भाई साहब, बाहर वाला और अंदर वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 6 इंटू वी सी ओ एम मस्ट बी इक्वल टू 12 ओमेगा। ओहो, ये तो कट गया भाई साहब, वी सी ओ एम क्या होना चाहिए, डबल ऑफ ओमेगा, है ना। ओहो, एक रिश्ता ये आ गया, एक रिश्ता हमारे लिए ये रहा भाई साहब, ये रहा, है ना। अच्छा, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमको क्या चाहिए, हमको अगर मान लीजिए कि भाई क्या चाहिए, 20 cm तो डायरेक्टली आ गया यहाँ से, पहले वाले से 20 cm क्या आ गया था आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा अगर आपको चाहिए तो ये 10/3 इज इक्वल टू आपके लिए क्या है, 2 ओमेगा, इज इक्वल टू क्या है, 2 ओमेगा, जिससे ये कट गया है, ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, 5/3 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, कैसे भी कीजिए, आंसर तो सेम ही आने वाला है। बहुत पीएचडी हो गई यार, बहुत पीएचडी है ना। अभी आगे घूमेगा कितने टी टाइम के बाद में कितना घूम जाएगा, अरे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कितना चल जाएगा, वी सी एम इंटू टी, कोऑर्डिनेट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, कुछ भी निकालो, ऐसा पूछा जाएगा। तो आगे ये करता हुआ क्या जाएगा, सीटीआर करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। बहुत सारी बातें आगे की पूछी जा सकती है जो कि आप कर सकते हैं। कोलिजन में बहुत पीएचडी कर दी हमने, वहां से यहां तक खूब सवाल किए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप की बातें करते हैं। हेडिंग आप डाल दीजिए प्योर रूलिंग, क्या क्या डालिएगा, प्योर रूलिंग भाई साहब, है ना। सीटीआर के बारे में ज्ञान ले रहे हैं बस, अभी नई नई चीज थोड़ी सी, मतलब बहुत आसान सी चीज सीखते हैं। क्या है प्योर रूलिंग, प्योर रूलिंग, है ना। जब भी सवाल में लिखा है कि प्योर रूलिंग हो रही है, अब तेरे मन में आ रहा था मतलब रूलिंग प्योर हो रही है, मिलावट पूरी हो रही है, क्या है इसका मतलब, क्या होती है प्योर रूलिंग और क्या होती है इम्प्योर रूलिंग, मतलब फिर क्या इम्प्योर की कोई रूलिंग होती है क्या, प्योर मतलब क्या, देखते हैं क्या है प्योर का मतलब। हेडिंग डाल दीजिए प्योर रूलिंग, शुद्ध, एकदम शुद्ध रूलिंग, है ना। हेडिंग डालिए प्योर रूलिंग, भाई सब सूर्यास्त हो गया, खैर कोई बात नहीं, टाइम है मेरे पास। हेडिंग डाल दीजिए प्योर रूलिंग, क्या चीज, प्योर रूलिंग, प्योर रूलिंग, क्या है प्योर रूलिंग, प्योर ध्यान से देखिए भाई साहब क्या बोलना चाह रहा है मास्टर। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए रोलिंग मतलब सीटीआर कर रहा है। एक बॉडी है जो एक सरफेस पे रखी हुई है, जो कि एक सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, मैंने कहा अच्छा, और बॉडी मान लीजिए किस तरह की, कोई भी डेस्क टाइप का आइटम है, वो चल भी रहा है और वो घूम भी रहा है ना। जो पॉइंट इसके जस्ट टच में है, जो इस डिस्क पे है, जो इस डिस्क पे है, उसकी रफ्तार क्या होगी, आप बोलेंगे साहब v इधर की तरफ होगी, ओमेगा r इधर की तरफ होगी, इनका रिजल्टेंट मान लो v बड़ा है, मान लो कि मैं ऐसा बोलूं, मान लो कि v बड़ा है तो रिजल्टेंट आया v माइनस ओमेगा r, क्या आया v माइनस ओमेगा r। धरती का जो ये बिंदु है, धरती का ये जो बिंदु है, इसके रेस्पेक्ट में अगर v बड़ा है ओमेगा आर से, तो ये आगे जाने का कोशिश करेगा, धरती को बहुत बुरा लगेगा, धरती को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं है कि कोई उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्लाइडिंग करे, ये बात फ्रिक्शन को पसंद नहीं आती। फ्रिक्शन चाहता है कि चलो भाई साहब हम चलने का अपोज नहीं करते, हम रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी या फिर रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज करते। फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं आई, यार स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है, फ्रिक्शन पसंद नहीं आया, मतलब यार फ्रिक्शन को पसंद नहीं आया। फ्रिक्शन को पसंद तब आता जब ये वैल्यू जीरो हो जाती, ये वैल्यू जीरो होती तो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती, फ्रिक्शन क्या हो जाता, वाह बढ़िया काम हो रहा भाई साहब, बढ़िया काम हो रहा। तो ये तो फ्रिक्शन के खुश होने की घटना होती है, जिसमें मतलब जो है, मतलब फ्रिक्शन चाहता है कि भाई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो, और जब रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती है तो तब जो रोलिंग हो रही होती है उसको प्यार से क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग, उसको प्यार से क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। अब आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे सरफेस ली थी, धरातल लिया था जो कि रुका हुआ था, जरूरी तो नहीं ना भाई साहब कि ये रुका हो, जरूरी तो नहीं ना, मैंने कहा ये कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि मैं एक ऐसे प्लांक पे हूं, मान लो कि मैं एक ऐसा प्लांक है भाई साहब जो कि इधर जा रहा है v1 रफ्तार से, इस पे मैं एक टायर चला रहा हूं जो कि इधर जा रहा है v से, घूम रहा है ओमेगा से, रेडियस है इसका r, तो यहां का फ्रिक्शन को ये मतलब यहां के पॉइंट की रफ्तार होगी v माइनस ओमेगा r, और इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट की रफ्तार होगी v1। क्या चाहेगा फ्रिक्शन कि v माइनस ओमेगा r और v1 क्या होना चाहिए,
सेम हो जाए ताकि वो खुश हो जाए भाई साहब कि नहीं कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही, कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। अगर वी माइनस ओमेगा आर, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि ये जो टच वाला पॉइंट है इसकी रफ्तार और इसके साथ जो नीचे वाली सरफेस टच में आ रही है इन दोनों की रफ्तार, इन दोनों की रफ्तार अगर सेम हो जाए तो भाई साहब वहां पे रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। उस वाली कंडीशन में जो रोलिंग हो रही होती है उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। इतना सस्ता सा कॉन्सेप्ट है, अगर बिल्कुल सस्ता सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में वी माइनस ओमेगा आर की वैल्यू अगर वी वन के बराबर हो गई, अगर वी वन के बराबर हो गई तो अपने अपन क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग। लेकिन अगर नीचे की सरफेस रुकी हुई है, नीचे की सरफेस जैसे धरती माता, जैसे क्या है हमारी धरती माता, वो तो रुकी हुई है, तब आपका v माइनस ओमेगा जो v1 जो है इसका, यानी नीचे वाली सरफेस का वो जीरो है, तब v इज इक्वल टू ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाता, v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाता है। अच्छा तो क्या ये जरूरी है कि भैया प्योर रोलिंग होगी तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा? मैंने कहा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर नीचे की सरफेस की रफ्तार कुछ हुई तो फिर v माइनस ओमेगा उस सरफेस की रफ्तार के बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर बॉडी धरातल पे है, कहां पे है, धरातल पे है, सरफेस पे, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड तो रुका हुआ है, इसका मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा, तब क्या होगा, बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोलिंग कर रही होगी। क्या बहुत टफ है, बहुत इजी है ना यार। एक एक एग्जांपल लेते हैं, प्योर रोलिंग तब होती है जब रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही होती है, यानी कि रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाती है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। अगर ग्राउंड रुका हुआ तो फिर जो है इसकी जीरो हो जाएगी, वरना मतलब वी माइनस ओमेगा आर की वैल्यू वी वन के बराबर होना चाहिए। तो जरूरी है क्या वी जीरो ओमेगा हो प्योर रोलिंग के लिए? मैंने कहा जरूरी नहीं है, वी माइनस ओमेगा आर वी वन के बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर नीचे वाली सरफेस रुकी हुई तब वी इज इक्वल टू ओमेगा आर में प्योर रोलिंग होगी। और हम अगर ग्राउंड पे सारी बातें करेंगे तो ग्राउंड रुका हुआ है, मतलब वी इज इक्वल टू ओमेगा आर वाली कंडीशन में क्या हो रही होगी, प्योर रोलिंग हो रही होगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो, माना कि एग्जांपल लेते हैं और इस बात की फील करते हैं, माना कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं और इसी बात को फील करते हैं। मैं आपको बोलूंगी ये जो नीचे वाली सरफेस है, यानी एक प्लांक है, ये क्या है, एक प्लांक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, जो कि इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, कैसे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, और इसके ऊपर है एक, इसके जस्ट ऊपर है एक डिस्क, मान लीजिए क्या है, डिस्क है। इसका रेडियस, इसका रेडियस मान लीजिए क्या है, रेडियस इसका मान लीजिए, मान लीजिए 2 मीटर है, क्या है, 2 मीटर है। मैंने कहा अच्छा, और ये वाला जो मान लो इधर की तरफ जा रहा है आपके लिए 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, कैसे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये डिस्क जो है उधर जा रही है। डिस्क का ओमेगा नहीं दिया हमको, हमको कोई डिस्क मतलब चल भी रही, घूम भी रही, हमें ये इंक्वायरी इसकी सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कितनी है, 5, और नीचे जो सरफेस है वो जा रही 10 से। बताइए इसका ओमेगा कितना और किधर होना चाहिए, ओमेगा कितना हो कि फॉर प्योर रोलिंग, ओमेगा कितना हो फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि v इज इक्वल टू ओमेगा, मैंने कहा नहीं, प्योर रोलिंग का क्या मतलब है, रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी, हमारा जो फ्रिक्शन है वहां पे वो सेटिस्फाई हो जाए। v इज इक्वल टू ओमेगा तभी होगा जब नीचे की सरफेस रुकी हो। क्या यहाँ पे रुकी है, अगर नहीं यहाँ पे नहीं, नीचे की सरफेस रुकी भी नहीं है, अच्छा तो क्या होना चाहिए। मैंने कहा ये 5 तो इसको मिलेगा ही, प्लस ओमेगा आर भी उधर मिलना चाहिए, उधर मिलना चाहिए, तो ओमेगा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि ये वाले पॉइंट को 5, तो ये मिल गया सेंटर ऑफ मास का, प्लस क्या मिल जाए, ओमेगा आर उधर की तरफ। अगर ऐसा होता तो ओमेगा आर इधर मिलता ना, तो 5 माइनस ओमेगा आर का भी होता, तब तो 10 का भी हो ही नहीं पाता। इसका मतलब ओमेगा ऐसा होना चाहिए ताकि 5 प्लस ओमेगा, अरे ओमेगा जब ऐसा होगा तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ओमेगा आर ऐसा आएगा, और सेंटर ऑफ मास खुद ही वी से जा रहा है तो प्लस उसमें वी कर दोगे, है ना, वी अगर 5 है तो ओमेगा आर कुछ ऐड होगा, तभी नहीं आइटम 10 हो पाएगा यार, लुलुलुलुलु। तो यहाँ पे 5 प्लस ओमेगा आर, आर की वैल्यू 2 है, ये क्वांटिटी होनी चाहिए 10, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 5/2, यानी कि 2.5 रेडियन पर सेकेंड, 2.5 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से आपका, अगर ये इस सेंस में यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका जो भी डिस्क विस्क रखा है स्फीयर वो घूम रहा होगा, तो ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग होगी। लोग बोलेंगे क्या इतना ही था, मतलब कॉन्सेप्ट तो इतना ही था यार, कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं,
प्योर मतलब ऐसा हो, ये जो प्लांक है, ये जो प्लांक है नीचे वाला, ये जो प्लांक है वो V1 रफ्तार से चल रहे हैं और A1 रफ्तार से एक्सलरेट हो रहा है। इसके ऊपर मान लो कि ये डिस्क टाइप का आइटम है, ये V रफ्तार से आगे जा रहा है, A से एक्सलरेट हो रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, अल्फा से एक्सलरेट हो रहा है। सबसे मैक्स यही केस हो सकता है कि नहीं, मैंने कहा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट, इसके ऊपर मैंने जस्ट पॉइंट पी ले लिया है और इसके पॉइंट ऊपर क्यू ले लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे लिए पी की रफ्तार होगी इस साइड में वी माइनस ओमेगा आर, और क्यू की मैंने कहा वो वी वन। प्योर रोलिंग के लिए मैंने कहा वी माइनस ओमेगा आर फॉर प्योर रोलिंग वी माइनस ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल टू वी वन। वी माइनस ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल टू वी वन। मैंने कहा अच्छा ये तो समझ गए भाई साहब, ये तो समझ गए, लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट की स्पीड तो सेम थी लेकिन फिर इनकी एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं हुई तो थोड़ी देर बाद में स्पीड अलग हो जाएगी, तब तो भैया ऐसा फ्रिक्शन नाराज हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? एक्सेलरेशन अगर सेम होगी तो ये वाला पॉइंट जो क्यू है इसकी एक्सेलरेशन तो A1 है। अच्छा, तो पी वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी? मैंने कहा भैया पी वाले के पास एक्सेलरेशन है A साइड होगी। मैंने कहा अच्छा अल्फा आर, मैंने कहा अगर ऐसे घूम रहा है तो अल्फा आर इधर होगी, इधर, मैंने कहा इधर ओमेगा स्क्वायर आर। अरे भैया ये एक्सेलरेशन हम पता कर चुके हैं, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन इफ द बॉडी इज डूइंग सिटी आर। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर आ रहे हो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो जो इस साइड एक्सेलरेशन आने वाली है वो है ए माइनस अल्फा आर। क्या हो जाएगी? ए माइनस अल्फा आर। ये ए माइनस अल्फा आर ए वन के बराबर होना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट की इधर की तरफ एक्सेलरेशन आ रही है ए माइनस अल्फा आर, और ये पॉइंट की एक्सेलरेशन A1 है, जस्ट दोनों पॉइंट कॉन्टेक्ट में है। तो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन जब बराबर हो जाएगी, इनिशियली स्पीड सेम थी फिर एक्सेलरेशन भी सेम होगी, तो फिर हमेशा जो है प्योर रोलिंग होती रहेगी, है ना। हमेशा प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए? A माइनस अल्फा आर किसके बराबर होना चाहिए? A1 के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर मान लो कि नीचे की सरफेस रुकी हो, तब ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा? जीरो। अगर नीचे की सरफेस रुकी हो तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा और ए इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा प्योर रोलिंग के लिए। लेकिन ये तभी वैलिड है जब नीचे की सरफेस क्या हो? रुकी हो, यानी कि V1 जीरो हो, A1 क्या हो? जीरो, यानी ग्राउंड पे आप चला रहे होंगे तो फिर ये वाली बातें वैलिड होगी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मतलब प्योर रोलिंग की फील तो अपने को आ गई, प्योर रोलिंग की फील अपने को आ गई। जैसे मैंने इस वाले सवाल में क्या किया है, इस वाले सवाल में आपसे पूछ लिया कि इस वाले सवाल में मैंने एक्सेलरेशन भी दे दी आपको, क्या दे दी है? मैंने बोल दी कि इसकी एक्सेलरेशन है इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये वाले जो भाई साहब हैं, ये वाले भाई साहब हैं, इसकी एक्सेलरेशन मान लीजिए इधर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोले कि अल्फा किधर रखा जाए, अल्फा किधर रखा जाए? अच्छा उल्टा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 20, है ना, ऐसा कर देते हैं। मान लो कि इसकी एक्सेलरेशन आपको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे अल्फा पक्का इधर होना चाहिए। अल्फा इधर होगा तो क्या होगा? मैंने कहा ये वाले पॉइंट के पास 20 इधर रहेगी, अल्फा इंटू आर है, अल्फा इंटू आर इधर रहेगा तभी तो 20 माइनस समथिंग आएगा, तभी तो 5 के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ आर कितना है? 2 है, तो 2 अल्फा इधर आ जाएगा और जो इधर पॉइंट है उसका 5 है, यानी कि 20 माइनस 2 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 5। तो यहां से क्या हो गया है, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज 15 इज इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 7.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 7.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ओहो, अच्छा हो गया, प्योर रोलिंग हो गया भाई साहब, प्योर रोलिंग की फील आप समझ गए क्या? अब लगती है सवालों की जड़ी। क्या करते हैं अपन? सवाल करते हैं अच्छे से सवाल भाई साहब, प्योर रोलिंग की कड़ी में बढ़िया एक सवाल करते हैं, एक बढ़िया सवाल करते हैं, इसको उड़ाते हैं।
बेसिक फील अपन समझ गए यार, मतलब फ्रिक्शन जो का जो सपना है कि रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पूरा होता है, तब अपना क्या होता है प्योर रोलिंग होती है, तब अपने पास क्या होती है प्योर रोलिंग, यानी कि वी वन इज इक्वल टू वी माइनस ओमेगा और ए माइनस अल्फा आर की वैल्यू ए वन के बराबर हो जाए तब क्या हो गई है प्योर रोलिंग। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, एक सवाल बढ़िया बढ़िया सा सवाल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास सवाल ऐसा है, हमारे पास एक डिस्क, क्या है एक डिस्क है, मैंने कहा अच्छा मास m है रेडियस r है, इसको मैंने ऐसे घुमाया ओमेगा नॉट से और धरती पे छोड़ दिया, धरती पे छोड़ दिया ऐसे धरती पे रिलीज कर दिया इसको टक 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 जरा जरा ध्यान से, मैंने डिस्क को ऐसे टक से ओमेगा नॉट से घुमा के जमीन पे रख दिया, ऐसे घुमा के जमीन पे रख दिया। अब शुरू में देखे तो इसकी रफ्तार जीरो है, ओमेगा ओमेगा नॉट है, क्या ये रुका हुआ सरफेस है? मैंने कहा अगर प्योर रोलिंग होगी तो वी जीरो ओमेगा आर होना चाहिए, लेकिन वी तो है ही नहीं, वी तो है ही नहीं, वो तो अभी आएगा, ये इधर चलने को अभी लगेगी, सिर्फ घूम रही थी शुरू में, तो शुरू में तो वैसा प्योर रोलिंग नहीं होगी, कुछ आगे जाने के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। मैंने कहा हाँ अगर मान लो कि यहां से कुछ दूर जाने के बाद आप जब यहां पहुंच गए तब आपकी रफ्तार वी हो गई है, बढ़ते बढ़ते ओमेगा घटते घटते ओमेगा हो गया है, और एक वक्त ऐसा आया है अगर आपने t इज इक्वल टू जीरो पे ये कांड किया था तो t इज इक्वल टू t पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया है और यहां प्योर रोलिंग होगी। यहां मैंने v इज इक्वल टू r क्यों बोला है, क्योंकि नीचे की सरफेस रुकी हुई, v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू जीरो, तो अरे भाई यार नीचे सरफेस ग्राउंड है ना यार, तो यहां पे आपकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। मुझे बहुत सारी बातें बताएं, कितना दूर जाने के बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई है, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई है तब ओमेगा कितना था, तब वी कितना था, अगर ये घटना t इज इक्वल टू जीरो पे हुई है तो t इज इक्वल टू t कितना है, आराम से बताएं, मतलब इसके बारे में सारी पीएचडी करना चाह रहे हैं अपन, मस्त सवाल आते हैं इस पे, बढ़िया सवाल, बहुत सारी बातें अपने को सिखाएगा। आप सवाल तो समझ गए ना, एक डिस्क को मैंने ऐसे ओमेगा नॉट से घुमाया और यहाँ पे रख दिया, ओमेगा नॉट से घुमाया और इसको रख दिया भाई साहब। ओहो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही इसको अगर आपने घुमा के रखा जस्ट t इज इक्वल टू जीरो पे, ये पॉइंट की रफ्तार इधर की तरफ आई ओमेगा नॉट इनटू r और नीचे वाले पॉइंट की क्या थी जीरो। फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं आई, फ्रिक्शन इस पे लगा इधर की तरफ, इधर की और कौन सा फ्रिक्शन लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना लगा म्यू इंटू एम जी के बराबर है ना, यहां से लेके यहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगा था, क्यों, क्योंकि इधर वाली जो रफ्तार है किसी पॉइंट पे जो आपका ओमेगा इंटू आर जो है वो बड़ा था, यहां पे आगे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन बंद हो जाएगा है ना, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन है ना भाई साहब। बहुत बढ़िया बहुत शानदार, जब वी ओमेगा बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं रही, क्या यहां से लेके यहां तक क्या लग रहा था काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, क्या लग रहा था काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, पहले इसकी स्पीड क्या थी t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो थी, तो ये तो एक्सेलरेट करने लगा होगा, क्यों, क्योंकि इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, मैंने कहा म्यू एम जी, इससे एक्सेलरेशन क्या मिलेगी, मैंने बटा एम कर दीजिए म्यू जी एक्सेलरेशन मिलेगी, तो क्या ये स्पीड को बढ़ाएगा, मैंने कहा, और क्या इसका टॉर्क भी आएगा, मैंने कहा हाँ किधर ऐसे, अरे भाई इसके नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल अबाउट सेंटर ऑफ मास, मैंने कहा टॉर्क तो आएगा, किसका आएगा सिर्फ इसका आएगा, कैसा आएगा, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास से और दूरी पे लग रहा है तो आपके पास म्यू एम जी इंटू आर, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है ये टॉर्क, ये बाहर की तरफ आ रहा है, म्यू एम जी आर ऐसा है और एफ उधर है तो बाहर की तरफ आ रहा है इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू क्या है डिस्क है तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू अल्फा, एम ने एम की बत्तियां गुल कर दी, एक आर ने एक आर की, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, अल्फा की वैल्यू आ रही है टू म्यू जी डिवाइडेड बाई आर, टू म्यू जी डिवाइडेड बाई आर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इतना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया है आपके लिए अल्फा आ गया, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत ही खूबसूरत, टू म्यू जी डिवाइडेड बाई आर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इतना अल्फा, अच्छा ये एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन, मैं कहता अगर ध्यान से देखो तो शुरू में आपकी वेलोसिटी ऐसी थी ओमेगा नॉट अंदर की तरफ, टॉर्क
बाहर की तरफ, तो ये तो रिटार्डेशन हुआ ना भैया, ये टॉर्कवा जो है बाहर लग रहा है, बाहर लग रहा है तो एक्सेलरेशन बाहर की तरफ है, इनिशियल स्पीड आपकी अंदर की तरफ है। तो अब ओमेगा वक्त के साथ घटेगा कि बढ़ेगा, ओमेगा वक्त के साथ घटेगा कि बढ़ेगा, आप खुद सोच के बताइए। तो आप क्या बताइएगा कि ओमेगा घटेगा, ओमेगा बढ़े, ओमेगा घटेगा, वी बढ़ेगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब वी और ओमेगा आर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग हो जाएगा। तो क्या किसी भी टाइम पे, ये मान लो कि टी इजिकल टू टी नॉट पे घटना घटी है, किसी भी टाइम पे टी इजिकल टू टी पे इसका जो रफ्तार होगा, इसका जो ओमेगा होगा, रफ्तार को अपन क्या क्या लिख पाइएगा, रफ्तार आपकी हो जाएगी, रफ्तार आपके लिए क्या हो जाएगी, रफ्तार आपके लिए हो जाएगी वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, क्या हो जाएगी v is equal to u plus at, u की वैल्यू जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कहां गई भाई साहब, ये रही, यानी कि म्यू जी टी, इतना इतना आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा किसी टाइम t पे ये रफ्तार आ गई है, किसी भी टाइम t पे ओमेगा बताएं, v is equal to u plus at से वैसे ही ओमेगा is equal to ओमेगा नॉट, और ये है रिटार्डेशन, कितनी है रिटार्डेशन की, कितनी है अपने पास 2 म्यू जी आर, यानी कि v इक्वल u प्लस at, तो यहां पे भी आपका अल्फा t आ जाएगा। इनका अच्छा भाई साहब ये रिटार्डेशन, अब किसी भी पॉइंट पे अगर प्योर रोलिंग हो रही है, फॉर प्योर रोलिंग तो t इज इक्वल टू t नॉट पे v आपका जो होगा वो हो जाएगा म्यू जी t नॉट मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी 2 म्यू जी डिवाइडेड बाय आर टी नॉट इनटू आर इनटू आर। अच्छा यानी टी इज इक्वल टू टी नॉट पे ये वी रहेगा, ये आपको ओमेगा रहेगा, ये आर रहेगा इनटू, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि यहां पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है, यहां पे क्या हो रही है प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहां से आप सॉल्व करके टी पता कर सकते हैं। मैंने कहा यहां बिल्कुल आपको सॉल्व करके टी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको टी मिल जाएगा। मैंने कहा करते हैं भाई साहब टी अगर हमें निकालना है, टी अगर हमें निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखें तो म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर, और ये हो गया है 2 म्यू जी टी नॉट, होगा कि नहीं होगा यार, तो यहां से क्या आ गया है 3 म्यू जी, तो टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने कहा ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, टी नॉट की वैल्यू मुझे मिल गई। ये वो वाला वक्त है जहां पे जाके एक मिनट, इस पे मैं बहुत सारी बातें सिखाऊंगा आपको, है ना, बहुत सारी बातें अच्छी। ये वो वाला वक्त होगा तब जाके यहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, तब जाके यहाँ पे क्या हुआ है प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। कोई पूछे कि टाइम क्या था, मैंने कहा ये टी इज इक्वल टू जीरो पे, इसको आपने घुमा के फेंका, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तब इसका ओमेगा जो था वो आपका ओमेगा इज बेसिकली ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी आर, और टी की जगह क्या है टी नॉट डालिए आप, टी नॉट की वैल्यू है ओमेगा नॉट आर अपॉन 3 म्यू जी। ध्यान से देखिए म्यू जी कट गया, आर से आर कट गया, आर से आपके पास क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं कहीं पे, म्यू जी कट गया। मैंने कहा ठीक है, ओहो आर से आर कट गया, अच्छा तो ये क्या आ गया ओमेगा नॉट माइनस 2 ओमेगा बाई, तो ये आपका ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 3 आ गया है, ओमेगा क्या आ गया है ओमेगा नॉट बाई 3। जब ऐसा होगा तब आपके पास क्या होगा, जब ओमेगा इनिशियल का 1/3 हो जाएगा तब जाके प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद ओमेगा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फिक्सिंग गायब हो जाए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तब आपके पास वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे, वेलोसिटी उस टाइम पे अगर आपको चाहिए तो वेलोसिटी तो बेसिकली ओमेगा इनटू आर हो जाएगी, यानी वहां पे जब वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट बटा 3 इनटू आर। क्यों, क्योंकि यहां से तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है कि नहीं यार, है कि नहीं यार, सोचो स्पीड पता लग गई वहां की, ओमेगा पता लग गया, इनिशियली स्पीड पर 0 थी, ओमेगा अपने को पता था। एक बात बताओ, अच्छा एक वो बात बताने से पहले मुझे ये बताओ कि टाइम तो पता लग गया ना, यहां प्योर रोलिंग होगी तब ओमेगा भी पता लग गया, वी भी पता लग गया, क्या बता सकते हो कितना दूर जाके ये घटना घटित हुई, कितना दूर जाके ये वाली घटना घटित हुई होगी, यानी ये यहां से कितना चला होगा तब जाके प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई होगी।
यानी मतलब कितना दूर गया होगा, ये डी बताइए, ये डी आप कोई बोले, सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, ये डी क्या हुआ बता पाइएगा क्या आप, ये डी अगर आप निकालेंगे तो डी आपका होगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर क्या होगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यू आपका क्या था, यू आपका था जीरो, यूटी जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, और ए की वैल्यू है म्यू जी और टी की वैल्यू है टी नॉट, हाफ ए टी स्क्वायर, टी यानी ये टी नॉट का स्क्वायर, कहाँ है टी नॉट, सॉल्व किए थे ना यहाँ पे, टी नॉट ये रहा इसका स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर 9 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, तो एक म्यू जी से एक म्यू जी यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 म्यू जी। इतना मीटर दूर जाने के बाद में, इतना मीटर दूर जाने के बाद में प्योर रूलिंग स्टार्ट हुई। अरे हरेक अपने आप में एक सवाल है, आपको बोले कितना घूमने के बाद में प्योर रूलिंग स्टार्ट हुई होगी, तो आप बोलेंगे साहब जी थीटा निकालना है भैया, तो थीटा इज इक्वल टू एस इक्वल टू यानी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं यार, तो अगर आपको थीटा चाहिए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए ओमेगा नॉट इंटू टी, ओमेगा नॉट क्या था, ओमेगा नॉट था, टाइम क्या है, टाइम आपके लिए है टी नॉट, क्या है टी नॉट है, जो कि आ जाएगा ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी, और अगर आप ध्यान से देखें मैंने वो अंदर को पॉजिटिव लिया टक 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 और ये घूम भी ऐसे रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है और टॉर्क बाहर लग रहा है, थीटा भी आपका अंदर की तरफ आएगा, यानी कि अल्फा आपका नेगेटिव है, यानी कि माइनस ऑफ हाफ अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेशन मास्टर अगर सही करे, मान लो कि मास्टर ठीक कर रहा होगा, 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी का स्क्वायर, यानी टी नॉट का स्क्वायर, ये आपका टी नॉट कहाँ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा यहाँ आपके पास आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर 9 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ रही है ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी माइनस 2 से 2 कट गया है, 1 आर से 1 आर कट गया है, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, और ये म्यू जी से ये स्क्वायर कट गया है, अच्छा भाई साहब बहुत शानदार, ऊपर की तरफ क्या बचा है हमारे लिए, ऊपर की तरफ बचा है हमारे लिए ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर है, अच्छा भाई साहब नीचे की तरफ क्या बचा है, नीचे की तरफ बचा है आपके लिए 9 म्यू जी, एलसीएम क्या आ गया है 9 म्यू जी आ गया है, तो आपका 3 इन माइनस ये यानी कि 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू आर, इतना रेडियन घूमे होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे घूम के गया ना यार, इतना अंदर की तरफ, आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैलकुलेशन मास्टर करवा क्यों रहा, इतना आपके पास इतना रेडियन इनवर्स, इतना क्या है इनवर्स। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए और भी कुछ बता सकते हो क्या, बहुत कुछ बता सकते हैं बताने को, तो ये बताओ मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताओ और मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताओ, है ना, मुझे थीटा पता है, मुझे डी पता है, तो मैंने अगर कैलकुलेशन सही की, मैं कुछ मिटाना चाह रहा हूं, कहीं मिटाना चाहूं क्या, कुछ कुछ पार्ट मिटा के खाली जगह करनी है, तो यहां पे खाली जगह कर देते हैं, ये आपका खाली जगह कर देते हैं, यहां पे करते हैं सिलेक्शन, इतना काफी है, स्पेस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताओ, मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताई जाए, तो आप बोलेंगे साहब ये तो हाफ सिर्फ घूम रहा था शुरू में, टी इज़ इक्वल टू 0 पे क्या कर रहा था, वो घूम रहा था, क्या आना चाहिए, मैंने कहा आना चाहिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैंने कहा अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो 0 है, वी तो 0 थी, तो आपका क्या है डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हाफ आई
ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया है यहां से हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर, सिर्फ घूमने की थी चलने की जीरो थी, तो यहां से आ गया है एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, क्या आ गया है डिवाइडेड बाई फोर, ये है आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं दोनों काइनेटिक एनर्जी लूंगा, फाइनल बोलो भाई साहब, मैंने कहा फाइनली जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है सब इसके पास दोनों हैं, कौन सी, मैंने कहा ट्रांसलेशनल एंड घूमने वाली, चलने वाली और घूमने वाली दोनों, चलने वाली और घूमने वाली दोनों, मैंने कहा अच्छा भाई साहब देखे जरा देखे जरा भारी तो नहीं पड़ रहा, अरे बहुत सारी चीजें बहुत सारे सवाल एक साथ आ रहे हैं और अच्छे सवाल सारे है कि नहीं यार। अब आप ध्यान से देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे यहाँ पे, जब फाइनल मतलब टी इक्वल टू टी नॉट पे, तो आपके पास आएगा एक तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई की वैल्यू आपका एम आर स्क्वायर बाई टू ही होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा खुद ही क्या है ओमेगा नॉट बटा थ्री का स्क्वायर है, क्या क्या है ओमेगा नॉट बाई थ्री, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या है जरा ध्यान से देखें, हमने वी भी निकाला है, वी आपका ओमेगा नॉट आर बटा थ्री है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार हो, तो ये क्या आ रहा है, मैंने कहा ये आ रहा है एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, मैंने कहा अच्छा ये तो ऊपर से आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है, मैंने कहा नौ यहां से आ गया और चार यहां से आ गया, छत्तीस आ गया है। अच्छा और बोलिए, मैंने कहा यहां से आपका आ रहा है एम ओमेगा नॉट का एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैंने कहा तीन तिया नौ यहां से आ गया, ये अठारह आ गया है, तो एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो 36 आ जाएगा, 36 लोगे तो ये एक बार आएगा और ये दो बार आएगा, मतलब दो बार जाएगा, अठारह दो छत्तीस, ठीक है तो तीन आ जाएगा, तो तीन यहां पे रख देंगे तो तीन एम ओमेगा स्क्वायर तीन एम आर स्क्वायर तीन एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये है ना ये आपका कट गया कितना बारह है ना, अरे ठीक है बारह दिया छत्तीस, इतना आपके पास आ रहा फाइनल, इतना जूल आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी है। अब आप सोच के बताइए ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये आपकी फाइनल है, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, यानी फाइनल कम है इनिशियल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मिलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या मिलना चाहिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मिलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मिलना चाहिए, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाए, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाए, मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं डी यहां पे लिख लूं, थीटा कहीं यहां पे लिख लूं, डी यहां पे लिख लूं, थीटा कहीं यहां पे लिख लूं, हा 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 हा, इसको डालते हैं यहां से ओमेगा हम लोग टी इक्वल टू लिख लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ओमेगा 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 हमारा कितना आया था ओमेगा इज बेसिकली ओमेगा नॉट बटा तीन और वी हो जाएगा ओमेगा नॉट बटा तीन इंटू आर। अब आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होना चाहिए वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, और यहां ध्यान से देखें नॉर्मल जो है वो सरफेस से परपेंडिकुलर एमजीएस है, तो वर्क डन तो सिर्फ फ्रिक्शन का आना चाहिए, वर्क डन तो सिर्फ फ्रिक्शन का आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एक बात बताइए काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा है तो ये तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, एक बात मुझे सोच के बताइए कि फ्रिक्शन लग रहा है उधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना इधर, मैंने कहा वो भी अगर इधर ही हो रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ, फ्रिक्शन का वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ क्यों, चले फ्रिक्शन लग भी उधर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है बॉडी का, फ्रिक्शन का वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ ना यार, अगर फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हुआ है तो फिर ये चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों आ रही है, अगर आप चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आग कितनी रही अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस ये करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 12 में से क्या घटा देंगे एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर बटा चार है, एलसीएम आपका 12 आ गया है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो है वन माइनस थ्री यानी कि माइनस टू एम ओमेगा स्क्वायर
एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज बेसिकली माइनस ऑफ 1/6 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इतना आएगा। इसका मतलब यह है कि इतना काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन के बराबर जाना चाहिए और वर्क डन बाई फ्रिक्शन तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। और कितना आना चाहिए पता है पॉजिटिव में कितना आना चाहिए वर्क डन बाई द फ्रिक्शन पॉजिटिव में अगर आप ध्यान से देखें वर्क डन बाई फ्रिक्शन की बात करें तो आपका फोर्स तो हमेशा कॉन्स्टेंट है μmg डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका इतना क्या हो गया है इतना हो गया है तो ये तो पॉजिटिव आना चाहिए। अरे ये तो पहली बात पॉजिटिव आना चाहिए और आना कितना चाहिए μmg फोर्स इनटू फोर्स कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रहा है ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 μg जस्ट फील के लिए करवा रहे हैं आपको। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो μg यहां से गायब हो गया है वैल्यू क्या आ रही है आपके पास वैल्यू आ रही है एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 ये तो पॉजिटिव आ गया रे लल्ला एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 और ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी जो इतना कम हुआ है मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन इतना आना चाहिए नेगेटिव में लेकिन आ रहा है इतना पॉजिटिव इतना क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है घोटाला हो गया भाई साहब कुछ तो गलत कर रहे हैं अपन कुछ तो गलत यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ रही है और वर्क डन फ्रिक्शन कर रहा है वो भी कैसा है पॉजिटिव वो तो पॉजिटिव कर रहा है तो फिर नेगेटिव कैसे हो सकता है फिर तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़नी चाहिए थी हमने आपने बहुत सोचा होगा सोचो वीडियो को पॉज मारो और देखो कि कहीं मास्टर ने गलती तो नहीं की है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो सोचना आप सोचें भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। फ्रिक्शन यहाँ एक चलाने का काम कर रहा है क्या कर रहा है चलाने का काम कर रहा है दूसरा घुमाने का काम कर रहा है चलाने का वर्क डन उसका पॉजिटिव है हमने घुमाने का वर्क डन अभी नहीं लिया। अरे तो एफ डॉट डी एस होता है वैसे क्या टॉर्क डॉट डी थीटा भी होता होगा मैंने कहा हाँ घुमाने में भी तो एफर्ट लगता है उसका भी वर्क होगा तो क्या फ्रिक्शन यहाँ पे दोनों काम कर रहा है एक चलाने का और एक घुमाने का तो अभी ये जो निकला है ना एफ ने एफ इंटू डी ये तो पॉजिटिव आया है ये आपका ट्रांसलेशनल वर्क है मैंने कहा रोटेशनल भी आएगा मैंने कहा हाँ जैसे आपका वर्क डन होता है एफ इज बेसिकली वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस ठीक वैसे ही ये ट्रांसलेशनल की जगह रोटेशनल होगा तो आपका टॉर्क डॉट डी थीटा आ जाएगा। अच्छा तो टॉर्क तो कांस्टेंट था हमारा टॉर्क कितना था हमारे पास टॉर्क जरा ध्यान से देखें टॉर्क हमारे पास इतना था। अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशनल की बात करें वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशनल तो अगर आप ध्यान से देखें टॉर्क कांस्टेंट है थीटा आपके लिए कितना है इतना है टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में है मैंने कहा ये बाहर की तरफ है ये बाहर है भाई साहब और ये थीटा अंदर है वर्क डन घुमाने का कैसा हुआ नेगेटिव हुआ कितना हुआ भाई साहब अरे दोनों कांस्टेंट है मतलब ये कांस्टेंट है सीधा मल्टीप्लाई कर लूं क्या मैंने कहा हाँ कितना है μmg r है इनटू थीटा अपना कितना है 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 9 μg मैंने कहा अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो μg से यहां का μg गायब कर दीजिए। अच्छा बहुत बढ़िया तो बचा कितना है बचा है यहां पे बचा है कैलकुलेशन भगवान करे सही किया हो भाने तो सब गलत हो जाएगा कहीं पे कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी m ओमेगा नॉट 2m ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2m ओमेगा नॉट का स्क्वायर और r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 अरे ये तो पॉजिटिव ये क्या आ गया है अगर आप ध्यान से देखें ये आपका था बाहर की तरफ और ये आपका कैसा था ये आपका अंदर की तरफ था तो बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री है तो ये नेगेटिव आना चाहिए यानी कि इतना वर्क डन क्या है फ्रिक्शन का क्या है नेगेटिव किसका है ये घुमाने का है ये क्या है घुमाने का ये क्या है चलाने का मैंने कहा दोनों का वर्क डन एड कर लेते हैं चलाने का वर्क डन क्या है मैंने कहा ये है एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 कैसा था पॉजिटिव था उसमें क्या ऐड कर रहे हैं नेगेटिव का वर्क डन कितना है मैंने कहा माइनस ऑफ 2m ओमेगा नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 एलसीएम कितना आ गया है 18 आ गया है m और सर यहां से 2 तो ये आपका क्या हो जाएगा यानी कि आपके पास
2 × 4 × 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 2 × 6 = 4 माइनस, तो ये 1 − 4 यानी कि माइनस ऑफ 3 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये कट के आपके पास कितना आ रहा है, माइनस ऑफ m ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 9। अरे जरा ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि डेल्टा के कितना आया था हमारा, डेल्टा के अगर आप ध्यान से देखें, डेल्टा के हमारे लिए कितना आया था भाई साहब, कहाँ गया है, कैलकुलेशन तो ठीक की है ना, बस मैं नहीं चाहता कि कहीं घोटाला हुआ हो। अरे नाइन नहीं, ये 6 आएगा ना यार, दिल की धड़कने बढ़ गई थी, अलग ही कैलकुलेशन यार, ये -6 / 1/6 है ना, ये आ गया आपका, ये थी इतनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, आपका फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया था वो आया था -1/6 mr² ω0² और टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी -1/6 m ω0² m ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है। सही है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम सही है, वर्क एनर्जी थ्योरम सही है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पर यहां पे जो ऑल द फोर्सेस का वर्क डन होगा वो चलाने का भी होगा और घुमाने का भी होगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज लोगे तो काइनेटिक एनर्जी चलाने की भी होनी चाहिए, घुमाने की भी होनी चाहिए भाई साहब, बस यही सिखाने का मतलब था। यहाँ पे ओवरऑल जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो नेगेटिव आया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, क्योंकि जो चलाने का वर्क डन वो पॉजिटिव है, घुमाने का नेगेटिव है, चलाने का एक्स आपके पास पॉजिटिव आ गया है तो घुमाने का वाई ज्यादा नेगेटिव आ गया, x + y ओवरऑल नेगेटिव आया है, वही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है और उसका वर्क डन नॉन जीरो आया है, इस पर्टिकुलर केस में वो नेगेटिव आया है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके हमने क्या क्या सीखा कि भैया यहां से इसको रिलीज किया जाए तो यहां अगर अपन पहुंच गए, यहां अगर आप पहुंच गए जहां पे प्योर कूलिंग हो रही है, पता कीजिए कि यहां का ओमेगा क्या होगा, यहां की रफ्तार क्या होगी, कितने टाइम पे प्योर कूलिंग स्टार्ट होगी, कितनी दूरी पे स्टार्ट होगी, तब तक ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, तब तक फ्रिक्शन के रोटेशन का वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन क्या होगा, क्या इस तरह की तमाम चीजें अपन बता सकते हैं। मैंने कहा हाँ। अच्छा, ये ओमेगा जो हमने यहां निकाला था ω0/3, मैं इसको एक और सस्ते तरीके से निकाल सकता हूं, मैं जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी कुछ नहीं पूछा होता, सिर्फ मुझे पूछा होता कि ये ओमेगा बताओ तो मैं एक काम कर सकता तुरंत एक लाइन में भी आंसर सिर्फ वो ओमेगा का आ सकता था, है ना, बाकी ये dt वगैरह तो निकालना, कि अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन यहां से पास हो रहा है बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी बातें अपन कर रहे हैं, बेजे उतरनी चाहिए, फ्रिक्शन यहां से पास हो रहा है फ्रिक्शन, तो अगर मैं यहां बैठ जाऊं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब टॉर्क नहीं आ रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट क्या li = l फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट बात करूं, बाकी आप लिख लें, मतलब मेरे मिटाने से पहले बैठ जाके, ताकि मैं जस्ट एक छोटी सी बात यहां पे कर रहा हूं कि एक स्मार्ट तरीके से यानी सेकंड तरीके से मैं अगर बात करूं तो मैं ओमेगा डायरेक्ट निकाल सकता हूं, इस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, li = l फाइनल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, li = l फाइनल होना चाहिए, li की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए इस पॉइंट के अबाउट, क्या होगा, मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट अगर बात करेंगे आप तो क्या होगा, mv सेंटर ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर दूरी, मैंने कहा वो तो जीरो था, जीरो प्लस क्या आ जाएगा, मैंने कहा आई ओमेगा आएगा, और आई आपका क्या है mr² / 2 ω0 आएगा कि नहीं आएगा यार, सिमिलरली ये पॉइंट क्या और फाइनल बताएं आप, अब आप फाइनल देखेंगे तो आपका आ जाएगा mv r परपेंडिकुलर आपका r हो गया है, किधर की तरफ है वो भी अंदर की तरफ है, और आई ओमेगा भी आपका कैसा है अंदर की तरफ, यानी mr² / 2 ω और v = क्या है ω r है, तो v को अपन क्या लिख सकते हैं ω r, तो ये क्या हो जाएगा mvr था तो ω r² है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तो अगर आप ध्यान से देखें तो mr² हो गया है ω0/2 ω + ω/2 यानी कि 3 ω/2, और तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई है ω0 = 3 ω, यानी कि ω = ω0/3 फास्ट आ गया एक लाइन से, सिंपल अगर ओमेगा निकालना है, मतलब ये पॉइंट के अबाउट अपन हमेशा li = l फाइनल लगा सकते हैं, बाकी और खूब सारी बातें, और उनको एक बार मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा कि वीडियो को आप स्लो मोशन में दोबारा देखें, है ना, बहुत सारा नॉलेज हमने यहाँ पे झाड़ा है आज वाले में, एक दो और सवाल करेंगे ऐसे और मस्त सवाल आएंगे वो आप कर पाएंगे, है ना, ठीक है।
अभी और भी सवाल करेंगे अपन प्योर रोलिंग पे, अभी हमारी प्योर रोलिंग हो रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फिर थोड़ा सा करवाएंगे इंक्लाइन सरफेस। डरे नहीं, सवाल टफ है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो उतना भी कोई टफ नहीं है यार। मैं ऐसे टफ इसलिए बोल रहा हूँ, जरा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ बहुत टफ सवालों को डील कर रहा, वैसे ठीक है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों से नहीं होता, लेकिन अगर तुम अच्छे समझोगे तो बहुत जरूर। अभी ये इंक्लाइन प्लेन पे भी करवा देंगे सारा कार्यक्रम, इंक्लाइन पे होगा तो भी कर लेंगे आप, फिर उसके बाद टॉपलिंग और फिर थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, फिर अपना रिजिड बॉडी डायनामिक्स हो जाएगा खत्म, और आप होमवर्क वगैरह करते रहे और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चल लेते हैं, वक्त थोड़ा सा एक घंटे से ज्यादा हुआ होगा तो उसके लिए माफी चाहते हैं, पर ये सवाल में मैंने कैलकुलेशन कर रखी थी तो मैं पहले ना रोक नहीं सकता था, क्योंकि मैं फिर जाता हूं फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है, और कैलकुलेशन से मुझे बहुत खराब लगता है तब जब सामने कोई नहीं बैठा हो, तब मैं अगर मान लो कि छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे कहीं कर दूं और पूरा कैलकुलेट करूं फिर मेरा आंसर इधर उधर हो जाए, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके बताओ कि सर ये तो बहुत आसान था। अबे वो बहुत आसान था उधर से बैठ के पता करने में, मेरा ध्यान उसमें मतलब उस आगे चीज कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, कॉन्सेप्ट पे रहता है, इसमें दूसरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो फिर सारा गड़बड़ हो सकता है। जब सामने बच्चे होते हैं तो बहुत तुरंत अपन लोग सब मिलके सॉल्व करते हैं, अपन तो पूरा सामने वालों से डेटा भी सामने वाले से पूछते हैं कि बताइए कितने केजी का ब्लॉक लिया जाए, आप अपने हिसाब से बताइए, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, होमवर्क करते रहिए। जय जय भारत, टेक केयर।